Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start example based on theorem on intersecting chord. Intersecting chord पर base example हम explain करेंगे. तो चलिए start करते हैं. देखिए हमें ये circle given है. Circle के अंदर दोनों chord MN और chord SR एक दूसरे को internally intersect हो रहे हैं. Intersect हो रहे हैं वो point P में. Chord है हमारे MN और कॉर्ड है हमारा SR बोलो या RS बोलो, दोनों एक दूसरे को P में इंटरसेक्ट हो रहे हैं. और हमें क्या गिवन है, इन फिगर कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P. P में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और PR का वैल्यू हमें गिवन है 6. PR का वैल्यू है 6, PS का वैल्यू है 4, MN का वैल्यू, पूरा जो MN है MN का वैल्यू है 11 और हमें फाइंड करना है PN. पूरा MN 11 गिवन है और हमें फाइंड करना है PN. तो देखिए पहले हम थ्योरम अप्लाई करेंगे. सॉल्यूशन बाय थ्योरम ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड. तो देखिए यहाँ पे जो कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम है हमारा M और N, वो इंटरसेक्ट हो रहा है P में. तो एक बार लेंगे हम PN इंटू PM. देखिए दोनों जगह P यूज हुआ है. कॉर्ड तो हमारा MN था, एक बार चांस दिए N को, दूसरे बार चांस दिए M को, तो हो गया हमारा PN इंटू PM. उसी टाइप से इधर देखिए जो ये कॉर्ड है हमारा RS, एक और RS इंटरसेक्ट हो रहा है P में. तो RS तो लिए हमने लेकिन एक बार चांस दिए है P को, PR इंटू PS. सभी जगह देखिए P कॉमन है, ये बन गया कॉर्ड MN और ये है कॉर्ड RS. यहाँ भी P, यहाँ भी P, यहाँ भी P, यहाँ भी, सभी चारों के साथ में P है. तो यह है हमारा बाय थ्योरम ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, वो भी इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहा है, अंदर सर्कल को अंदर में इंटरसेक्ट हो रहा है. लेकिन हमें जो वैल्यू फाइंड करना है PN, PN की तो वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने उसको X कंसिडर किया. अब PN की वैल्यू हमारी होगी X, ये अब क्या बचा है PM. PM की वैल्यू हो जाएंगी जैसा पूरा जो हमारा MN था, MN बना है, MN इज इक्वल टू PM प्लस PN. देखिए डायग्राम, ये जो MN है, MN बना है हमारा PM, PM और PN का एडिशन. पूरा MN हमें कितना गिवन है, MN की वैल्यू है 11 और हमें PM फाइंड करना है, PM एज इट इज, और हमने PN को लिया था X. ये प्लस X इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा माइनस, 11 माइनस X, ये किसकी वैल्यू हो गई PM की, PM की वैल्यू हो गई हमारी 11 माइनस X. ये PM के जगह हमने पुट किया 11 माइनस X और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि PM इज इक्वल टू 11 माइनस X कैसा आता है. अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे वैल्यू है वो इक्वेशन वन में पुट करेंगे. PN का वैल्यू है X इंटू का साइन, PM का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 11 माइनस X, हमने पुट किया 11 माइनस X इक्वल का साइन, PR का वैल्यू है 6 इंटू का साइन और PS का वैल्यू है 4. अब देखिए यहाँ पे X है, ब्रैकेट में 11 है, 11 माइनस X, तो ये X को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, X और 11 का इंटू 11X, माइनस का साइन X और X, X स्क्वायर, इन दोनों का इंटू करेंगे 24, ये प्लस है, इधर आने पे हो जाएगा माइनस, तो हमारा इक्वेशन बनेगा X स्क्वायर. देखिए साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस X स्क्वायर था तो प्लस X स्क्वायर, प्लस 11 था तो माइनस 11X, माइनस 24 था तो प्लस 24 इज इक्वल टू 0. अब हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. अब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसा सॉल्व करेंगे, ये जो 24 है हमें 24 के फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा कि जिसका आंसर माइनस 11 आना चाहिए. तो हमारे फैक्टर है 3 8 24 और दोनों को माइनस का साइन आएगा. क्यों माइनस का साइन आएगा, क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन है, 11 को माइनस का साइन है और 24 को प्लस का साइन है, इसलिए दोनों भी माइनस माइनस आएगा, माइनस 3 और माइनस 8. फर्स्ट ब्रैकेट कंटेंट एक्स माइनस 3, देखिए ये वाला माइनस 3, एंड सेकंड ब्रैकेट कंटेंट एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब सेपरेट करो, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये माइनस 3 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस 3, माइनस 8 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस 8, यानी पी एन के दो वैल्यू आ गए. पी एन की वैल्यू आ गई 3
और दूसरी पियन की वैल्यू आ गई 8। ओके, थैंक यू।